देश की सबसे महत्वपूर्ण घटना, देश का सबसे बड़ा काम, देश का सबसे बड़ा इवेंट और देश का सबसे ऐतिहासिक पल 22 जनवरी 2024 अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई। मोदी जी ने खुद ही सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनकी ग्रैंड एंट्री से लेकर उनके ग्रैंड डिजाइनर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ चर्चा का केंद्र रहा। लेकिन इतने महत्वपूर्ण दिन भी राम मंदिर आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी इस दिन मौजूद नहीं रहे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने यह साफ किया था कि एलके आडवाणी समारोह में शामिल होंगे और उनके लिए तमाम जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो सब कुछ मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनसे उनके स्वास्थ्य के लिए ना आने का अनुरोध किया था और लाल कृष्ण आडवाणी ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल ना होने का फैसला किया। यही नहीं, देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं बही। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब देश इतना ऐतिहासिक पल जी रहा था तब देश की प्रथम नागरिक का ना होना हम सबके लिए खलजाना है। पहले देश के विपक्षी नेताओं ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। तब तो देश के तमाम लोगों ने, यहां तक कि मीडिया ने उन्हें एंटी हिंदू और ना जाने कैसे कैसे तगमों से संबोधित करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने ऐतिहासिक दिन पर जब देश की प्रथम नागरिक उस दिन वहां मौजूद नहीं थी तब इस घटना को किस नजरिए से देखा जाएगा। दूसरी यूं तो अयोध्या में जो 22 तारीख का कार्यक्रम हुआ था उस दिन हम सबके लिए काफी गौरवान्वित दिन था और साथ ही हम सबने कहीं ना कहीं अपने घर को दिवाली की तरह सजाया था, इस दिन को दिवाली की तरह मनाया था। ये भी कोशिश की थी कि इस दिन किसी भी तरीके से हम श्री राम जी की पूजा कर सके, उस तरीके से हमने किया था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इस दिन अपने घर में दिया जलाया था, हमने भी अपने घर में दिया जलाया था, अपने दुकानों में दिया जलाया था और भी तमाम कामकाज किए थे। राम जी के आने की खुशी में लोगों ने भंडारे तक कराए थे। दिल्ली में तो पूरी सड़कों पर माहौल ऐसा था कि जहां देखो वहां आपको भगवा झंडा ही लहराता हुआ दिख रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दिन इसने इस राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई लाल कृष्ण आडवाणी, उनके उनके सहयोग को, उनके चीजों को कोई नहीं भूल सकता है, वो भी इस दिन मौजूद नहीं रहे थे। और इसके साथ ही देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू भी इस तमाम कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाई थी। जब देश भर के राजनेता, नेता, मुख्यमंत्री अयोध्या में मौजूद थे, यहाँ तक कि आलिया भट्ट से लेकर विकी कौशल, कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन जैसे तमाम बड़े दिग्गज कलाकार भी इस दिन अयोध्या पहुंचे थे, कंगना रनौत तक अयोध्या पहुंची थी, इस दिन देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू आखिर क्यों नहीं अयोध्या पहुंची थी, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दिन द्रौपदी मुर्मू ने अपने आप को इस कार्यक्रम से दूर ही रखा और साथ ही इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। फिलहाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, हमने देखा वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं राम मंदिर कि वो सबको मोहित करने वाली है। रामलला की जो तस्वीर है, मूर्ति है, वो हम सबने देखा कि कितनी मनमोहक लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन ये जो तमाम सवाल हैं इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या जानबूझकर द्रौपदी मुर्मू को इस इवेंट, इस प्रतिष्ठा, इस समारोह से दूर रखा गया था ताकि जो सारा फोकस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रहे। इस खबर को लेकर बहुत सारे चैनल ने तो चर्चा नहीं की लेकिन तमाम यूट्यूब चैनल ने इस पर चर्चा जरूर की है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों लाल कृष्ण आडवाणी और देश की प्रथम नागरिक यानी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम से दूर रहे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।